तो कभी रिजल्ट नहीं आएगा। और मैं बात ये कहना चाहता हूं, हम अगर इस देश के अंदर एक महाआंदोलन की क्रांति की बात करते हैं, भगवान बुद्ध और बाबा साहब के विचार और उसी क्रांति आंदोलन के बीच की आज हम शुरुआत कर रहे हैं, उस आंदोलन के लिए, उस लड़ाई के लिए एक समय पर तो हम उन नेताओं को, पार्टियों को कंडेम करते हैं, उन पार्टियों के बड़े बड़े खिलाफ हम प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हमारा जब समय बदलता है, जब वो लोग पार्टी में आते हैं तो उन्हीं पार्टियों को, नेताओं को, कोई किसी को बरगला नहीं सकता है देश के अंदर। आज जो व्यक्ति बड़ा विचार और बड़ा व्यक्तित्व लेकर बड़े विजन और मिशन के साथ चलेगा, जिसकी काम और जिसके मिशन और विजन में ईमानदारी होगी, वही आदमी देश के अंदर लीड करेगा। नहीं तो इतना बड़ा एम्पायर, आज हमारे सामने इतनी बड़ी हमारी धरोहर आज कैसे धराशायी हो गई है, हमें इस बात का बड़ा अफसोस है। हम लोगों ने जी जान लगाया है, जिंदगी लगाई है, हम सरकारी अधिकारी हैं, हम परवाह नहीं करते कब नौकरी जाएगी, कब बीवी बच्चे जाएंगे, कब हमारी मौत हो जाएगी, इसकी हमें परवाह नहीं है। ये हम हर बार बोलते हैं, आज पहली बार नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दुख होता है। आप आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी को कंडेम करेंगे, बीजेपी को कंडेम करेंगे, कांग्रेस को कंडेम करेंगे, लेकिन यही के लोग जब समय आएगा, यही के नेता लोग जाकर उन्हीं लोगों के मंत्रियों के बीच में उनको सम्मानित करेंगे और वहां जाकर अपने काम निकाल लेते हैं। समाज कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी जवाबदेही कौन करेगा? मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, अगर आज भी देश के अंदर वास्तव में कोई लड़ाई लड़ना चाहते हो, मैं डीसी कपिल जी आपका सम्मान करते हुए इसलिए आभार व्यक्त कर रहा हूं क्योंकि आज आपने सभा को बुलाया और हमें इस बात के मौका दिया, आपका बहुत आभार और सम्मान करता हूं। व्यक्तित्व नहीं है, व्यक्ति पर्सन नहीं है, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं, ये देश उस व्यक्ति के साथ दिन रात आंख बंद करके लग जाएगा जिस व्यक्ति के अंदर लड़ने की, आगे बढ़ने की, समाज को लीड करने की हिम्मत और दशा देने की उसके अंदर ताकत और सहन शक्ति होगी। आज समाज को जोड़ना पड़ेगा। प्रोफेसर रतनलाल जी ने भी कहा, आप एक समाज को लेकर देश को कैसे लीड कर सकते हैं? आज जिस बाबा साहब के मिशन की बात हम करते हैं, उस बाबा साहब के लोग तो बिक गए हैं, भेड़ और बकरियों की तरह उनकी दलाली हो रही है, उनकी वहां पे नोट, उनकी वहां पे खरीद हो रही है। इस समाज की लीड कर रहे हैं आप, एक समाज लीड करेगा देश को, ऐसे नहीं होने वाला। हम आपके इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाएंगे। बाबा साहब की दिल्ली में ही नहीं, देवली में ही नहीं, पूरे देश के अंदर कहीं होगा उसके लिए जी जान की बाजी लगा देंगे। लेकिन वो व्यक्ति तो वो नेतृत्व दिखना चाहिए, वो ईमानदारी, वो सच्चाई आपके हमारे काम में, मैं किसी को नहीं कह रहा, वो मेरे काम में, जब मैं किसी संगठन को, किसी देश के अंदर काम को लीड करता हूं तो वो दिखना चाहिए। उसके अंदर आपके अंदर ना तो जाति की बुआनी चाहिए, ना आपके अंदर किसी पद या किसी सत्ता की बुआनी चाहिए। अगर ऐसा आप लीड करेंगे तो आप देश के अंदर सबसे नेतृत्व के अंदर कुछ भी देश में हासिल कर सकते हैं। हमें देवली की पहाड़ियों को नहीं बचाना, वो तो प्राथमिकता है, लेकिन देश दिल्ली में ही नहीं, मैं कहता हूं दिल्ली की सरकार ही नहीं, इस देश की सरकार, इस भारत सरकार की सरकार और सभी प्रांतों की सरकार में जहां भी बाबा साहब और बाबा बुद्ध, भगवान बुद्ध के प्रतिमाओं पर या हमारी भान बहन बेटियों पर गांव देहात के अंदर अगर बात कर होता है, वी हैव टू से एंड टू दिस। और उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा और लड़ने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। और कुर्बानी कौन देगा? ये चंद लोग क्या कुर्बानी देंगे? ये चंद लोग बहुत ही मौका प्रस्त आदमी है, उसमें डॉक्टर देवराज भी आता है, मीडिया रिकॉर्ड कर रही है मेरे स्टेट में। यहां मौका प्रस्त नहीं होना है, यहां त्याग बलिदान और संघर्ष का समय है, यहां अपने आप को खत्म करने का समय है, यहां राजनीति नहीं करनी है, समाज को लीड करके नीचे नीचे दलाली नहीं करनी है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आप को कह रहा हूं, यही मीडिया मेरी ऐसे कैसे इसको ट्विस्ट ना किया जाए मेरे स्टेटमेंट को, मैं अपने आप को कह रहा हूं, क्योंकि आज बाबा साहब का मिशन खत्म हो गया। देखिए आप, धानुक लड़ाई लड़ रहा है, वाल्मीकि लड़ाई लड़ रहा है, खटी खटी लड़ाई लड़ रहा है, पासी लड़ाई लड़ रहा है, और एक दुनिया भर के संगठन, दुनिया भर के नेता कहां है? मिशन बाबा साहब कहां है? भीम का आंदोलन कहां है? क्रांति कहां है? बहुजन समाज, कोई बहुजन समाज नहीं बचा है। मुझे इसको कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? कि जिन लोगों ने बहुजन समाज की लीडरशिप ली, उन लोगों की लीडरशिप में कहीं ना कहीं चूक हुई है। अगर वो चूक नहीं होती तो आज देश के हम हुक्मरान होते, ये सत्ता हमारी होती। हम लोगों ने किसी को मौका नहीं दिया, किसी को साथ नहीं लिया, किसी को आगे बढ़ने के लिए अपना भाई नहीं कहा, ये कहा तू भंगी है, तू जुलाया है, तू धानुक है, तू खटीक है, तू फांसी है, और तू रैगर है, तू बैरवा है, तू इस समाज का नेतृत्व का हिस्सा नहीं हो सकता। ऐसे नहीं से देश चलता भैया, ऐसे सत्ता नहीं आती है।
लेकिन हम आज ही ये कह रहे हैं हम पॉजिटिव थॉट के आदमी हैं, हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, और पॉजिटिविटी और टॉलरेंस और पेशेंस, करेज एंड कन्विक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, लव कंपैशन एंड विजडम हमारे जन जन में, हमारे कण कण में है। इसलिए हम आज भी ये कहना चाहते हैं देश के नेतृत्व करने वालों से, जो भी आदमी समाज के अंदर नेतृत्व करे वो आदमी अपने आप को ईमानदारी से, पहले कुछ भी उसने किया हो, कैसा भी उसका इतिहास रहा हो, हम इस बात में नहीं जाएंगे, लेकिन कम से कम डॉक्टर देशराज की टीम जो राष्ट्रीय लेवल पर आई थी, हम बहुत जल्दी कार्यकारी बनाने जा रहे हैं, और देश के अंदर और संगठनों को लेकर हमारा बहुत बड़ा अलायंस हो रहा है, कम से कम जो आदमी आज के बाद भी इस देश के अंदर ईमानदारी से देश के अंदर लीडरशिप को लेकर आएगा और मन मानने के लिए इस देश का सच्चा नेतृत्व करेगा, हमारी टीम और हम उसके लिए दिन रात अपनी जान की परवाह किए उसके साथ खड़े हो जाएंगे, कभी झुकेंगे नहीं, कभी टिकेंगे नहीं। और मैं यहां से जिम्मेदारी लेता हूं कि आप, मैं पे बात करता हूं, मैं साउथ दिल्ली के लिए, साउथ दिल्ली की पूरी जिम्मेदारी लेता, वेस्ट दिल्ली की जिम्मेदारी लेता हूं, जितने भी बुद्ध विहार हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के भवन है या समाज के भवन है, उन सबको कोऑर्डिनेट करके, उन सबको एक एक कमेटी बना के आपके साथ जो भी इसका नेतृत्व करेगा उस कमेटी सब में मैं जोड़ लूंगा। ऐसी सात कमेटी आप दिल्ली में आप लोकसभा वाइज तैयार कीजिए, और उस कमेटियों के सातों लोकसभा से सभी अम्बेडकर भवन बुद्ध विहार के जो नेता हैं, जो उनके ऊपर चौकड़ी मारे बैठे हैं, उनको बुला के उनकी हिस्सेदारी लीजिए, उनकी जिम्मेदारी दीजिए, और ऐसे करके इसमें 5-7 लोगों का एक सेकुलर और लिबरल जो है नेतृत्व बनाकर इस संगठन को अंजाम दीजिए, और ऐसे से इसी को हमने सिर्फ इसके माध्यम से, ये तो एक 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 ही है हमारे पास एक एक्ट है, इसके माध्यम से देश के अंदर हमने इस तरीके का एक माहौल पैदा कर देना है कि अब इस देश के अंदर बाबा साहब भगवान बुद्ध या हमारे लोगों पर अत्याचार बलात्कार हुआ तो उसका हम ईंट का जो पत्थर से दे, इसके लिए हम तैयार हैं। हम ज्यादा नहीं कह सकते, पर हम ये कहना चाहते हैं समाज निर्माण करो, जो भाई नाराज है उनको साथ ले लो, जो जो धोखेबाज गद्दार हैं, बेईमान लोग हैं, जो सत्ता पार्टी के लिए अपनी टिकट के लिए इधर उधर समाज की दलाली करते हैं उनसे होशियार रहो, अगर उनमें हम भी आते हैं, हम भी हमारा भी क्रेडिबिलिटी कहीं क्वेश्चन मार्क लगती है तो हमें भी गाली मारो, जूते मारो, हमारा बहिष्कार करो, लेकिन जो लोग ईमानदार से जिंदगी लगा के लगे हुए हैं, घर परिवार लगा के अपने आप को खत्म कर रहे हैं, हम नहीं डरते, हमारा बहिष्कार करो, हम गलत है तुम्हें, हमें नंगा करो, हमें पीटो, लेकिन जो आदमी गुमराह कर रहा है उसको भी नेतृत्व नहीं करने दो, नहीं तो समाज बिक जाएगा, देश बिक जाएगा, संविधान में कुछ नहीं बचा है, संविधान में कुछ नहीं बचा है, संविधान सब खत्म हो गया है, क्या बताना है, प्रोफेसर रतनलाल जी ने बताया है, अब हम संविधान पढ़ाएंगे तो और समय व्यर्थ होगा, कहने की जरूरत नहीं है, दो एक ही बात है, दो संस्कृतियों का टकराव है, एक श्रमण संस्कृति, एक ब्राह्मण संस्कृति, श्रमण संस्कृति का ये लड़ाई है, इसके लिए आप लोगों की लड़ाई को आज इस देश के अंदर आपने आउटी दी है, दे सकते हो तो दे लो, नहीं तो फिर समय आएगा, फिर सोच लेना, जय भीम, नमो बुद्धाय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।